नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज खबर पटना से। एनसीआर सीएए एनपीआर के विरोध में आज बिहार के कई जिलों में मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। पटना में छात्र संगठन एआईएसएफ, आईसा, जन अधिकार छात्र परिषद, द ग्रेट भीम आर्मी, एनएसयूआई, एसएफआई, छात्र वीआईपी, सीवाईएसएस, पीडीएसएफ ने मानव श्रृंखला का आयोजन किया। यह मानव श्रृंखला पटना के साइंस कॉलेज से लेकर पीएमसीएच पटना मार्केट होते हुए सब्जी बाग तक बनाई गई। इस मानव श्रृंखला की सबसे बड़ी बात यह रही कि इनमें पोस्टर से लैस छोटे छोटे बच्चे शामिल थे। ये बच्चे बिना कुछ बोले ही वर्तमान के हालातों की गंभीरता को बयां कर रहे थे। इनके शामिल होने से समस्त लोगों में एक नया जोश सा था। इस आयोजन में शामिल समस्त नेताओं ने एनसीआर एनपीआर सीए को खत्म होने तक आंदोलन की बात कही तथा बिहार के मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री की अलग अलग प्रकार के बयानों पर चुटकी ली। मोदी से भी, योगी से भी, अमित शाह से भी, नीतीश कुमार से भी, नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ पूरे देश की आवाम सड़कों पर है। सरकार ने एक जंग छेड़ रखी है अपने ही नागरिकों के खिलाफ। दुनिया के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा है कि जो चुनी हुई सरकार है वो अपने नागरिकों को चुन रही है। तो निश्चित ही यहाँ विद्यार्थियों ने, नौजवानों ने, आम किसान मजदूरों ने 8 तारीख को आम हड़ताल का कॉल दिया है और आज उसके समर्थन में आज मानव श्रृंखला बनाने का पूरे देश भर के अंदर में काम किया है। छात्र संगठनों ने पहलकदमी की है या जताने का काम किया है कि दिल्ली के अंदर में जो जामिया में जो लड़ाई चल रही है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो लड़ाई चल रही है, जो जेएनयू और बीएचयू के अंदर में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई के माध्यम से विद्यार्थियों ने खासकर जता दिया है मोदी सरकार से, तो उसके तमाम इस तरह के हरकतों से लोग डरने वाले नहीं है। और मोदी और शाह को हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि ऐसे काले कानून को तत्काल वापस लेना होगा। अगर सरकार नहीं चेतती है, नहीं समझती है, तो उनको हम लोग गद्दी से खदेड़ने का काम करेंगे। सुशील कुमार, राष्ट्रीय सचिव, ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन। जी, आज जो वर्तमान सरकार है हमारी केंद्र में, वो हमारे समाज के अमन चैन शांति के खिलाफ है। अगर हम समाज में सभी धर्म सभी जाति के लोग सर्वधर्म संभाव के भाव से रहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम से रहते हैं, लेकिन इनको ये पसंद नहीं है। ये हमेशा हिंदू मुस्लिम, गाय छिपकली गोरु, इसी पर ये चर्चा बनाए रखना चाहते हैं। ये रोजगार के सवाल पर भागते हैं, ये शिक्षा सुरक्षा सम्मान के सवाल पर भागते हैं, ये कैंपस के प्लेसमेंट और शिक्षकों की बदहाल स्थिति पर भागते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत ही जरूरी सवाल है, और जरूरी है कि सवाल गरीबी पर हो, शिक्षा पर हो, सुरक्षा पर हो, सम्मान पर हो, बलात्कार पर हो, अपराध पर हो, लेकिन ये सरकार बार बार समाज में नफरत होने का काम करती है, हिंदू मुस्लिम जात पात में बांटने का काम करती है। आज उसी के खिलाफ, उस सरकार के नीति के खिलाफ हम सभी लोग, सभी संगठन के लोग आज पूरे पटना में, पूरे बिहार में ह्यूमन चेन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जो सीएए है, जो एनपीआर है, जो एनआरसी है, इसी के खिलाफ हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार, हरियाली की बात करते हैं, देश जंगल समाप्त हो रहे हैं, आदिवासी सड़कों पर आ रहे हैं, उनके पास कोई कागजात नहीं है, वो कहाँ रहेंगे, कहाँ भेजिएगा उनको? जो खानाबदोश है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है, जो कल इस गांव में रहता है, परसों उस गांव में जाता है, वो भी तो हिंदू है, उसको आप कहाँ भेजिएगा? तो ये समाज बिना, ये इनका कोई मकसद नहीं है, बस समाज को डाइवर्ट करना, लोगों के सेंटिमेंट के आधार पर हिंदू मुस्लिम कर वोट लेना, यही इनका औचित्य रह गया। आप सरकार में आए थे तो पुलवामा का सीबीआई जाँच कराते, जाँच करा कर लोगों के सामने आता, कौन दोषी है, नहीं दोषी है, उसको सजा मिलता। तो ये पुलवामा नहीं करेंगे, ये केवल और केवल उलझाए रखेंगे समाज को। विशाल जी, ये पूरा बिहार में हम लोगों ने बनाने काम किया। अभी जो यहाँ पर है एनआईटी मोड़ से सब्जी बाग तक, ये लंबी कतार आपको देखने को मिल जाएगी, ये एक लंबी कतार है। ऐसा ऐसा पूरे बिहार के सड़कों पर जो सर्वधर्म संभाव के भाव रखते हैं, वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, तमाम संगठन
किसी झंडा बैनर के मोहताज हुए बिना सभी संगठन यहाँ पर आकर हम लोग एकत्रित हैं। जो अभी हमारे संसद में पास हुआ है और जो एनपीआर की प्रक्रिया जो अभी स्टार्ट हो रही है, तो ये हमारे सेकुलरिज्म, हमारे संविधान के ऊपर एक तरह से देखा जाए तो धर्म के आधार पर हमला है, जो नहीं होना चाहिए। और देख रहे हैं आप तब हमारे देश में किस तरह से हर जगह इसका विरोध हो रहा है। तमाम पूरे हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज़, जो स्टूडेंट छात्र लोग जो रोड पर हैं, वो ऐसा तो नहीं कि बेबुनियाद होंगे। इसका फ्यूचर, इस जो बिल का फ्यूचर वो लोग समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आने वाले जो समय में इसका क्या मतलब असर पड़ेगा हमारे देश पर। क्योंकि आज़ादी की लड़ाई जो हुआ था उसमें अकेले किसी एक समुदाय या एक मतलब लोगों ने नहीं लड़ा था, ये पूरे देश, तमाम पूरे देश में मिलकर के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जात धर्म के लोगों ने मिलकर के कंट्रीब्यूशन किया था। तो अब ऐसा क्यों, जो मतलब भेदभाव सेकुलरिज्म के नाम पर जो मतलब हमारे यहाँ जो अभी जो बिल पास हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। अगर इसका फ्यूचर आप देखें कि मतलब तो ही लोग ने फ्यूचर रीड कर करके ही ये प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा हमारे देश के ऊपर। और देखिए हमारे देश का अभी हालात तो बहुत ही ख़राब है। आप जीडीपी देखिए, आप नौकरियां देखिए, जो सरकार वादा कर रहे वो तो फुलफिल कर ही नहीं रहे, लेकिन हमारे देश में एक तरह से मोनोपोली प्रोपेगेंडा चला दिया है कि धर्म के आधार पर इस देश को लड़ाते रहो, इस देश को बांटते रहो। आपने सत्ता देखिए, बीजेपी का हमेशा का राजनीति रहा और ध्रुवीकरण पर था, पोलराइजेशन पर रहा। अभी टेम्पल का मैटर खत्म हो गया, 370 खत्म हो गया, तो बीजेपी को एक लंबा मुद्दा चाहिए था जो कि समाज में सांप्रदायिकता जहर घोल के और उसको बहुमत लाना, तो एक अच्छे कॉमनल पैकेज है ये। दूसरी चीज़ है कि सरकार हर पैरामीटर पर सेकेंड टर्म में नाकाम रह रही है, तो बहुत ही आसानी से लोगों का जो डाइवर्सन, जो उनका मुद्दा है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। आज 100 रुपया प्याज की प्याज है, इतनी महंगाई बढ़ी है, रिकॉर्ड स्तर पर अनएम्प्लॉयमेंट है, लेकिन नहीं, सरकार को मजा आ रहा है क्योंकि इसमें क्या है कि सांप्रदायिकता जा रहा है। अभी पूरे विश्व में देखिए, हमारी जो संस्कृति थी वसुधैव कुटुंबकम, हमारी गंगा जो अपनी तहजीब थी, भारत का कभी ऐसा इतिहास नहीं रहा कि हम धर्म के आधार पर भेदभाव करें। लेकिन सरकार क्या करी, सेलेक्टिव अप्रोच अपनाई है, और सेलेक्टिव अप्रोच अपनाने में ये है कि तीन ही कंट्री का, हम लोग बोलते हैं कि पूरे कंट्री का आप ले लो, लेकिन बात सरकार का वो इस इशू को सॉल्व नहीं करना है, एक समाज में इस तरह से हैटर्ड पैदा करना है, और इसी से सरकार लंबा लंबा सत्ता चाहती है। तीसरी चीज ये है कि जिस तरह से सरकार ने दमन किया है, बच्चों पर दमन किया है, जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जेएनयू, अलीगढ़, ये सब की तरफ सरकार जामिया मिलिया अलीगढ़ पर जिस तरह से दमन किया है, अंग्रेज जो इनके में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हमारे साथ हम लोग अंग्रेजों से लड़ाई लड़े थे, हमारा भी अनुभव है आपकी आपसे लड़ने का, और आपको हारना पड़ेगा, आपको ये कानून वापस लेना ही पड़ेगा किसी भी कीमत पर। इस तरह से आप सत्ता के बहुमत के बल पर, जो कि हिटलर को भी बहुमत मिला था, हिटलर को बहुमत मिला था, अंजाम क्या हुआ था, लेकिन इसलिए मैं बोलूंगा कि आपको ये एनसीआर एनपीआर वापस लेना पड़ेगा, और आप लोगों को इतनी बड़ी आबादी का आपका जो समस्या है उसको आपको एड्रेस करना ही पड़ेगा, मेरा यही बात करना। इसी के लिए हम हुए हैं और लगातार आंदोलन जारी रहेगा। आप लोग ने आज निकाला है, कितना दूरी तक निकाला, कितना किलोमीटर लंबा है? देखिए, हमने अपनी भरपूर कोशिश करते हुए कम से कम 5 किलोमीटर तक कोशिश की है। देखिए, हमने शुरुआत किया है, हमारे साथ लोग साथ दे रहे हैं। सरकार बोलती है एनआरसी लाए हैं घुसपैठिया निकालने के लिए, जो दूसरे देश के लोग गए वो घुसपैठिया हो गए, फिर वही दूसरे देश के लोग आप सीए के थ्रू आप दे रहे हैं, वो भी तो घुसपैठिया हुए कि नहीं हुए? कितना दमन में तेरे देख लिया है, देखेंगे।